आगरा मंडल के ब्लॉक और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगणों की बैठक में उपस्थित अपने बड़े भाई और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेता प्रदीप माथुर जी हमारे साथ, मेरे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अश्वनी शर्मा जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेरे बड़े भाई और महामंत्री मथुर सिंह डेटा जी, महामंत्री उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रणवीर पांडव जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव महेश रावत जी, तिवारी जी हमारे बीच में प्रमुख साहब बैठे हैं, प्रमुख साहब जी हमारे मथुरा जनपद के जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष सोन सिंह सिसोदिया जी, हमारे यहाँ मथुरा शहर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आबिद हुसैन जी और उपस्थित मेरे तमाम आगरा मंडल के तमाम जिला और शहर अध्यक्षगण और जो हमारे NSUI के प्रदेश के महामंत्री हैं धनखड़ जी, युवा कांग्रेस के नेता विक्रम वाल्मीकि जी, महिला कांग्रेस के अग्रवाल जी और उपस्थित मेरे ब्लॉक अध्यक्ष तमाम ब्लॉक अध्यक्षगण, आज मुझे आप लोगों के बीच में लगभग एक साल बाद असेंबली के चुनाव के बाद मुझे आपके बीच में फिर दोबारा से आने का मौका मिला और जिस तरीके से मैंने आप लोगों की पीड़ा को दिल से सुना और जिस तरह से आपके दिल की आवाज़ निकली, मैं उससे बिल्कुल अपनी भावनावश ओतप्रोत हो गया, क्योंकि जिस रास्ते से आप गुजर के आ रहे हैं उसी रास्ते से मैं गुजर के आया हूँ। मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कॉलेज के शासन से राजनीति शुरू की और NSUI और यूथ कांग्रेस होते होते मैं 32 साल के अंदर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष के रूप में आया। मैंने हर दौर देखा, मैंने जिला अध्यक्ष का भी देखा, मैंने शहर अध्यक्ष का भी देखा और मैंने स्टेट के ऑफिस बेरर्स का भी मैं देख ही रहा हूँ। ये पीड़ा बिल्कुल कार्यकर्ता की सही है, खास तौर से शायद वो भारद्वाज जी कह रहे थे, वह ये पीड़ा बिल्कुल सही है और इस पीड़ा से जहाँ आप को छुई है इस पीड़ा ने, मैं भी उस पीड़ा से कहीं बाहर नहीं हूँ। अगर मेरी स्थिति आप पूछेंगे, मैनपुरी मेरे घर से जो आखिरी जिला आगरा मंडल का पड़ता है, मेरे घर से 225-250 किलोमीटर दूर पड़ता है। आज आगरा मंडल पूरा का पूरा मेरे घर से 200 किलोमीटर के सर्किल में पड़ता है। मैंने 3 साल निर्मल खत्री जी के नेतृत्व में असेंबली के चुनाव तक आपने मुझे सबने देखा होगा, मैंने इसकी तन्मयता से काम किया, एक एक गली गली मोहल्ला मोहल्ला और एक एक कार्यकर्ता की खुशामद से लेकर और दबाव तक काम करने के लिए मैंने कांग्रेस के अंदर काम किया, संगठन का काम किया और जितनी मेरी क्षमता थी और जितनी मेरी योग्यता थी उसके मुताबिक मैंने उसमें खरा उतरने का प्रयास किया। लेकिन ये बात ठीक है कि जब इस बार PCC और AICC मेंबर बने तो किसी भी कार्यकर्ता का ध्यान इस उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की तरफ नहीं गया। मैं मथुरा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आज मैं भी जो 3 बार मेंबर AICC था और जिसने 3.5 साल में करीब 2.5 लाख रुपए का डीजल फूंक दिया होगा, बाकी बात तो तुम छोड़ दो, और जो 3 साल में अपने घर में ना के बराबर रहा होगा, उस आदमी की भी AICC मेंबर सिर्फ पता नहीं कहाँ गई, वो कनाट प्लेस में गई कि दरियागंज में गई, ये मेरी समझ में नहीं आती। जहां तक कांग्रेस की लीडरशिप है, ये बात सही है कि हिंदुस्तान का एक राजनीतिक दल जो 132 साल पुराना 132 साल हो गया तो 132 साल पुराना राजनीतिक दल है,
उसके स्ट्रक्चर में। प्रदीप माथुर जी, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जहां मेरा लिंक प्रदेश और देश की राजनीति में है, लेकिन आपका लिंक उनके बिल्कुल घर तक और बेडरूम तक आपका नहीं है। जहां इस प्रदेश में कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान की बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी को चकनाचूर करना है, भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को नाकाम करना है, तो इन कार्यकर्ताओं को, बड़े नेताओं को गले लगाना पड़ेगा, नहीं तो कोई रास्ता बचता नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। जहां तक फेसबुक का सवाल है, एक भाई ने किसी ने फेसबुक के बारे में कहा था, भगवान की कृपा से और आपके आशीर्वाद से फेसबुक मैं नहीं चलाता हूं, मेरे नाम से चलती है। फेसबुक मैं नहीं चलाता हूं, मेरे मोबाइल से और मेरे नाम से चलती है, मेरा सेक्रेटरी चलाता है। मेरे को तो वो एक मिनट के लिए दिखा दे, बस ये दिखा है। आप समझ गए, या इतने लोगों के कमेंट्स आए और इतने लोगों की लाइक आई। मैं फेसबुक नहीं चलाता हूँ, ना मैं ट्विटर चलाता हूँ, ना मैं व्हाट्सएप चलाता हूँ, मेरा तो सेक्रेटरी चलाता है जो मेरे पास परमानेंट रहता है। सुबह 7 बजे आ जाता है और रात को 10 बजे अपने घर जाता है। लिखा पढ़ी का टोटल काम वो करता। अब रही ब्लॉक सम्मेलनों की बात और आज की इस मीटिंग के संबंध की बात। जो ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन है, ये पूरे प्रदेश में नहीं, अभी एक बात और रहेगी, इससे पहले मैं कहूं, यहां पूरे आगरा मंडल में एक बीमारी पैदा हो गई। जैसे आदमी को जुखाम होता है, जैसे आदमी को खांसी होती है, जैसे आदमी को बुखार होता है और जैसे आदमी को कैंसर हो जाता है, इस तरह कैंसर का कोई इलाज नहीं होता, बुखार का, जुखाम का, सिर दर्द का इलाज हो जाता है। इसी तरह से कांग्रेस के संगठन में ऊपर के नेताओं ने एक काम कर दिया कि यहाँ जिससे जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी बिल्कुल अपंग हो जाए, इसलिए एक कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी। तो मैं आप लोगों का दिल और दिमाग बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ कि जो कार्यवाहक अध्यक्ष है, चाहे वो शहर कांग्रेस कमेटी का है या जिला कांग्रेस कमेटी का है, उसका दर्जा केवल शहर कांग्रेस कमेटी में है तो उसके वाइस प्रेसिडेंट का है, और जिला कांग्रेस कमेटी में है तो उसके वाइस प्रेसिडेंट का है। कोई कार्यकारी अध्यक्ष बराबर की हैसियत में नहीं होता। जहां तक अब ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का मंडलीय स्तर सम्मेलन की बात है, तो जितने भी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं पूरे मंडल में, वो सारे के सारे ब्लॉकों के अंदर ब्लॉक सम्मेलन की तिथियां देंगे। उन तिथियों में मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अपने साथी हैं, सारे ब्लॉकों में तो नहीं भेज पाऊंगा, लेकिन कुछ कुछ ब्लॉकों में मैं अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो मेरे साथ पदाधिकारी हैं, मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, उनको मैं भेजने का काम करूंगा। और जो ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन है, ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों का सम्मेलन नहीं है, जिस तरीके से विधायक जी ने कहा, ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जितने भी गाँव हैं, उस गाँव में इन्होंने तो कहा है 5, लेकिन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन उस जगह हो जो उस ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव हो, उसके अंदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन, इससे मैक्सिमम लोगों के पास, ज्यादातर लोगों के पास कांग्रेस की आवाज जा सके, राहुल गांधी की विचारधारा जा सके। और जो ये जन विरोधी सरकार है, जो किसान विरोधी सरकार है, जो नौजवान विरोधी सरकार है, जो छात्र विरोधी सरकार है, जो महिलाओं के उत्पीड़न करने वालों की सहयोगी सरकार है, और जो ये अपराधियों की सरकार है, और जो ये आर्थिक अपराधियों की सरकार है, अपराधी और आर्थिक अपराधी, ये दोनों की सरकार है, इनका मुंह तोड़ जवाब
कांग्रेस को ब्लॉक के लेवल से, गांव के लेवल से, मोहल्ले के लेवल से देने का काम हम लोगों को करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे पूरा भरोसा है कि मथुरा का तो एक सौभाग्य है कि हमारे बीच में, अभी विधायक जी ने भी बताया था कि लोग ये कहते हैं कि प्रदीप कंसल तो मतलब प्रदीप माथुर जी की गोद में बैठ गया। ये तो विधायक थे चार बार के, लीडर सीएनपी थे, अगर कांग्रेस का आखिरी कार्यकर्ता भी कांग्रेस के प्रति समर्पित होगा तो मैं उसकी गोद में नहीं, उसके चरणों में बैठूंगा। और जहां तक सवाल है, आपका तो सौभाग्य है कि आपके बीच में ऐसा व्यक्तित्व मौजूद है कि जो आपके ऊपर जिसकी सरपरस्ती है, वो आपको कंधे से कंधा मिलाकर विधायक जी के पूरे संरक्षण में, पूरे आशीर्वाद में आप सारे लोगों को, जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के दोनों अध्यक्ष हैं और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, सबको कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। इसी के साथ मैं आप सारे लोगों का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।